हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट नेटवर्क। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे पैन कार्ड कैसे अप्लाई करते हैं। तो घर बैठे आप पैन कार्ड कैसे अप्लाई कर सकते हैं, फ़ोन में या लैपटॉप पे, ठीक है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको दो प्रोसेस बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आप पैन कार्ड बना सकते हैं, ठीक है। पहला प्रोसेस है ये कि आपको ऑनलाइन करना है। अगर आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको अप्लाई करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर आपका आधार कार्ड से फ़ोन नंबर लिंक है तो आप ऑनलाइन यहाँ पे EKYC के थ्रू कर सकते हैं, आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपके पास CSC ID होगा, उसे CSC ID से आप लॉग इन कर लोगे, ठीक है। CSC ID अभी सबके पास होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो CSC ID लॉग इन करने के बाद कुछ इस तरह का डैशबोर्ड खुल जाएगा आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पे जो है सर्विसेज यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। सर्विसेज में आपको क्लिक करना है, उसके बाद राइट साइड में आपको एक सर्च का ऑप्शन मिलेगा, सर्च बार का, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सर्च बार का ऑप्शन मिल रहा है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको पैन कार्ड यहाँ पे सर्च करना है, पैन कार्ड, ठीक है। तो पैन लिखने से सिंपली यहाँ पे आ जाता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं पैन कार्ड EKYC सर्विस। तो यहाँ पे आपको क्लिक हियर पर क्लिक करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है। तो यहाँ पे इस तरह का आपके पास डैशबोर्ड खुल जाएगा, मतलब कि CSC वैली आपका ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप क्लिक हियर कर सकते हैं। क्लिक हियर करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जो है कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपके पास खुल जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे फैसिलिटीज है आपको पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे आपको न्यू पैन कार्ड कैसे अप्लाई करता है, और यहाँ पे और उसका सिलेक्शन कैसे करता है, पैन कार्ड ट्रैक कैसे करे, सारी चीज़ें यहाँ पे सारे ऑप्शन यहाँ मिलेंगे आपको। आपको यहाँ पे न्यू, अगर आप न्यू अप्लाई कर रहे हैं तो अप्लीकेशन यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, अप्लीकेशन पर न्यू, यहाँ पे अगर चेंज कर सकते हैं आपका डॉक्यूमेंट अपलोड, ठीक है। व्यू अपलोड डॉक्यूमेंट, ठीक है। आपको पैन कार्ड मतलब अप्लाई करने के बाद आपको जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ता है, आपको यहाँ से डॉक्यूमेंट जो अपलोड यहीं से करना होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जितने भी आप यहाँ पे देख रहे हैं ऑप्शन, ये सारे पैन कार्ड के लिए है, ठीक है। तो ये यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है आपको जो सुविधा प्रदान करती है। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे पेमेंट डिटेल है, पेमेंट टोटल आप अगर CSC से आप कर रहे हैं तो 97 रुपये आपको यहाँ पे लगेंगे, ठीक है। तो न्यू पैन कार्ड पे हम लोग क्लिक करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे दो प्रोसेस है पैन कार्ड का। एक तो है ऑफलाइन, जो आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, फिजिकल मोड में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप डिजिटल मोड में करते हैं ऑनलाइन EKYC थ्रू, अगर जिसका भी आप पैन कार्ड बना रहे हैं उसका अगर मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक है तो आप इजीली डिजिटल मोड से कर सकते हैं, आपको कोई झमेला नहीं होगा। आपको पैन कार्ड जो है फॉर्म या फोटो सिग्नेचर कुछ अपलोड करना नहीं पड़ेगा डिजिटल मोड से आप अगर कर रहे हैं। अगर उसका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप फिजिकल मोड से कर सकते हैं, ठीक है। तो फिजिकल मोड में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इंडिविजुअल क्लिक कर देना है, उसके बाद NRI नो कर देना है आपको। आपको यहाँ पे देख सकते हैं बोथ और फिजिकल दोनों यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आपको दोनों चाहिए, एक आपको फिजिकल जो है ईमेल के थ्रू मिल जाएगा, उसके बाद आपको जो है ई पैन कार्ड आपके बाय पोस्ट द्वारा आपके एड्रेस में सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे बोथ करके फिजिकल पैन कार्ड यहाँ पे इसको क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे जीरोल ऑप्शन चूज करेंगे तो आपको एक ही पैन कार्ड मिलेगा जो कि बाय पोस्ट से आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना सिंपली। तो थोड़ा लोड टाइम लग रहा है। तो इस तरह का फ्रेंड्स यहाँ पे डैशबोर्ड खुलेगा। सबसे पहले आपको रेफरेंस नंबर जो है वो नोट करके रख लेना है। अगर बाई चांस कहीं पे अगर तो सिस्टम बंद हो जाता है या फिर नेट नहीं चल रहा होगा तो आप इसके थ्रू एप्लीकेशन के प्रोसेस में पहुँच सकते हैं जहाँ से आपने खत्म किया था, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो है आपका जो है टाइटल वो डालना है, यहाँ पे क्या है आपका, जो अगर कुमारी है तो कुमारी लिखना है, श्री है श्री लिखना है, अगर आपका फीमेल अगर लेडीज है तो उसमें लिखना है,
यहाँ पे आपको लास्ट नेम टाइप करना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको नाम डाल लेना है। नाम डालेंगे आप सिंपल यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आपका दूसरा नाम है, अगर नाम आपका आधार कार्ड में चेंज है तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नो या यस कर सकते हैं या फिर नो कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको मेल फीमेल सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो है एड्रेस, यहाँ पे आप ऑफिस में रहते हैं या फिर आप अपने घर में रहते हैं तो ऑफिस का एड्रेस दे सकते हैं या फिर आप अपने घर का एड्रेस दे सकते हैं जहाँ पे आपका पैन कार्ड आपको मिलेगा बाय पोस्ट द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो यहाँ पे भी आप रहते हैं उसका एड्रेस यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, ऑफिस हो या आपका एड्रेस हो, ठीक है। तो यहाँ पे रेसिडेंस मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। उसका यहाँ पे स्टेट आपको सिलेक्ट करना है अपना, मैंने अपना सिलेक्ट कर लिया बिहार, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका स्टेट बिहार, यहाँ पे भी आपका हुआ बिहार, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आप नीचे आएंगे, उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे उसका नाम लिखना है, ठीक है। दो बार आधार नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे नाम लिखना है, उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है, ठीक है। तो इस तरह से नेक्स्ट स्टेप क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लिखा है विच ऑफ दिस डॉक्यूमेंट आर यू सबमिट एज डेफिनेटिव फॉर प्रूफ, आप प्रूफ के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं यहाँ पे आप दिया। तो उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली मेक पेमेंट पे जाना है, मेक पेमेंट पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे पेमेंट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका CSC जो है वो यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है CSC का अपना पासपोर्ट डालना है। पासपोर्ट डालने के बाद वैलिड पे क्लिक करना है, फिर से आपको यहाँ पे वैलिड पिन डालना पड़ेगा। वैलिड पिन डालने के बाद आपका जो है यहाँ पे आपका अकाउंट से पैसा कट जाएगा 97 रुपया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका पैसा कट जाएगा अकाउंट से और यहाँ पे सामने मिल जाएगा, आपको ओके करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे मांगा जाएगा आपका मोबाइल नंबर, ईमेल सही रह देना है जिसमें आपका जो पैन कार्ड आएगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे अपना फादर या मदर का नाम दे देना है। अगर आपका फादर है तो यहाँ पे आपको नो करना है, या फिर आपका फादर नहीं है तो आपको यस करना है। यस करके आपको यहाँ पे मदर का नाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना लिखना है कि किसके नाम यहाँ पे आपने दिए हैं, आपको नीचे में यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट के बाद यहाँ पे जो इतना डैशबोर्ड आपके सामने खुल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका एड्रेस जो है वो सारा यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। एड्रेस और रेसिडेंस जो भी है आपका यहाँ पे एड्रेस आपको फिल कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको नो इनकम पर यहाँ पे क्लिक करना है, सारी चीज़ें यहाँ पे फिल करने के बाद आप यहाँ पे एड्रेस को केयरफुली आप अच्छी तरह से भर के इसको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको ये जो AO कोड होता है आपके सामने ये खुल जाएगा ऑटोमेटिक, वो आ जाएगा, ठीक है। आपको फिर से ये जो एड्रेस है इसको यहाँ पे भर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो है आपका हिमसेल्फ और हरसेल्फ वाला ऑप्शन यहाँ पे चूज करना है। उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई नेम में आपका जिसका नेम है जिससे आप अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम डालना है। उससे वेरीफिकेशन प्लेस जहाँ पे आपका वेरीफिकेशन होता है पैन कार्ड, यानी कि जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे आपका ऑफिस वेरीफिकेशन ऑफिस पैन कार्ड का, वहाँ पे आपको डालना है आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम, ठीक। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से एड्रेस मैंने फिल कर लिया है। आपको यहाँ पे इस तरह अच्छी तरह से पहले एड्रेस को फिल कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको कुछ इस तरह से डैशबोर्ड आपके सामने आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ऑटोमेटिक ये आपने डाला था एड्रेस आधार कार्ड, ठीक है, डॉक्यूमेंट सिलेक्ट, ठीक है, तो ये ऑलरेडी आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको बताया गया है कि आपको डॉक्यूमेंट कितने GB और कितने MB का KB का होना चाहिए। यहाँ पे दिया हुआ है फोटो आपका 30 KB का होना चाहिए और सिग्नेचर आपका 60 KB का होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस तरह से डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। फाइनल सबमिट से क्लिक करने के पहले आप एक बार देख लिया अच्छी तरह से सारे चीज़ें अच्छी तरह फिल किया हुआ है या नहीं है। फाइनल सबमिट के बाद आपका जो है प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, उसका सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल सबमिट के बाद आपका यहाँ पे जो है रिसीविंग वो आ जाएगा, ठीक है।
रिसीविंग को आपको प्रिंट करके निकाल लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर डाउनलोड फॉर्म का ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर डाउनलोड फॉर्म का ऑप्शन जो दिख रहा है, यहाँ से आपको फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। तो फॉर्म के साथ आपको दो फोटो लगेंगे और यहाँ पे तीन तीन सिग्नेचर करना पड़ेगा जिस तरह बैंक अप्लाई कर रहे हैं आप, ठीक है। तो फॉर्म को पहले हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आपका ये जो फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फोटो यहाँ पे चिपकाना पड़ेगा, ठीक है। फोटो और यहाँ फोटो चिपकाने के बाद आपको फोटो के ऊपर से सिग्नेचर करना पड़ेगा जिनका भी ये पैन कार्ड अप्लाई हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको राइट साइड में आपको यहाँ पे और एक फ़ोटो चिपकाना है पासपोर्ट साइड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका सिग्नेचर लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिग्नेचर आपको लास्ट नीचे में यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लगेगा, ठीक। और यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको यहाँ पे जाना है अपलोड डॉक्यूमेंट में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आ जाएगा जिनका पैन कार्ड अप्लाई करोगे। तो आपको यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे जो है अपलोड जो है यहाँ पे कर देना है अपने डॉक्यूमेंट को यहाँ पे सिलेक्ट करके, ठीक है। तो यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट जो है भी 2 KB से कम होना चाहिए। उसके बाद फोटो और सिग्नेचर, अपने जो फॉर्म निकाला था उसको फोटो चिपकाया उसका जो स्कैन करके यहाँ पे डालना पड़ेगा दोनों कॉपी का, फर्स्ट कॉपी और सेकेंड कॉपी दोनों का। और यहाँ पे इमेज का भी आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, उसके बाद सिग्नेचर को डालना पड़ेगा, उसके बाद आपको अपलोड पर क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद आपका जो है अपलोड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 5-6 दिनों के अंदर आपका जो है पैन कार्ड बनके आपके ईमेल पे आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि आप कैसे पैन कार्ड घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं इजीली अपने फ़ोन या लैपटॉप से, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक CSC ID आपके पास होना चाहिए। CSC ID अगर नहीं है तो आप नज़दीक किसी रिटेलर के पास जाके CSC ID ले रहे, ठीक है फ्रेंड। तो उसके बाद आपको यहाँ पे अप्लाई करने में थोड़ा इजी हो जाता है। और यहाँ पे जो है आपका जो पेमेंट लगता है, जो पैन कार्ड का पेमेंट लगता है 160 रुपये, वो यहाँ पे नहीं लगेगा फ्रेंड। आपको यहाँ पे 97 रुपये यहाँ पे लगने वाला है CSC अगर शुरू करते हैं तो आपको 97 रुपये। फ्रेंड आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है, वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।